सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये हमारी फाइनल ड्राइंग गेम। इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक पहली थी आउटलाइन की, और दूसरी शेडिंग की, और ये लास्ट। सो अगली दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख लेना। सो इस वीडियो में हम जो गले का एरिया है वहाँ पर शेडिंग दे रहे हैं। सो सिक्स बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जहाँ पर डार्क एरिया है उसके वहाँ पर मैं 8B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह से मैं शेडिंग करते जा रहा हूँ। रेफरेंस को जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतनी अंदर से डिटेल्स निकलेगी, और वही डिटेल्स आप अपने ड्राइंग्स में जितने ज़्यादा ऐड करोगे उतनी ही आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। रेफरेंस में जो इन्होंने टी शर्ट पहनी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं हल्की सी शेडिंग कर लेता हूँ चारकोल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसकी मदद से दोनों तरफ पहले मैं शेडिंग कर लेता हूँ। और टिश्यू पेपर की मदद से मैं उसे हल्का सा ब्लेंड कर लेता हूँ, जिससे जो गैप है वो ना दिखे। और मैं फिर से चारकोल पेंसिल की मदद से थोड़ा ज़्यादा डार्क एरिया दे रहा हूँ। रेफरेंस में जहाँ पर भी आपको लगे कि ज़्यादा डार्क एरिया देने की ज़रूरत है वहाँ पर एकदम पहले से ज़्यादा डार्क एरिया ना दे, धीरे धीरे से थोड़ा करके आप दो तीन बार शेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो उनका टैटू था वो टैटू भी मैं चारकोल पेंसिल की मदद से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब जो बैकग्राउंड है उसे पहले मैं 4B पेंसिल की मदद से एक हल्का सा बेज लेयर दे देता हूँ, जिससे हमारे जो बाद में हम ज़्यादा डार्क एरिया दें तो स्मूथ लिखे इसलिए। और अब मैं 10B पेंसिल या फिर आप 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, उसकी मदद से पूरा जो बैकग्राउंड है वो हम अप्लाई करेंगे। सो पहले मैं आउटलाइन कंप्लीट कर लेता हूँ, और अब मैं धीरे धीरे से 8B पेंसिल की मदद से पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर की मदद से ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बैकग्राउंड हमें मिलेगा, इसलिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्रश का भी यूज़ भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।